आगरा में रविवार की देर शाम थाना रकाबगंज क्षेत्र के मोहनपुरा स्थित जिलाधिकारी आवास परिसर की दीवार ढहने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी पर स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकाला और SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 7 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि उसके पिता सहित 3 घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जर्जर दीवार के पास बरसात का पानी भर जाने से दीवार गई है। वहीं विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि हादसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और घायलों का उचित इलाज हो। एकदम भी दीवार गिरी है, तो जो खेल बल्लेबाज अपना सामान उठा रहा था वो उसी के नीचे दब गया है दीवार के नीचे। कितने लोग घायल हुए इसमें? तीन लड़कियां और एक आदमी है और वो बगल से दीवार गिरी है। किसी के कोठी के पीछे एक दीवार लगी हुई है जो आज शाम को करीब लगभग 6 बजे वो गिर गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग दबने की आशंका थी पूरी। और इसमें हमने देखा कि 4 लोग दबने के बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, 3 लोगों की ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है। उनको तीनों को SN हॉस्पिटल और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो कि बता रहे कि उनकी सीरियस बहुत कंडीशन है। ये जानकारी यहाँ पर मिली है कि दीवार जो लगी थी ये बहुत पुरानी दीवार थी और इसके पीछे कहना चाहिए एक ट्रेंच एरिया है, जलभराव यहाँ पर होता है, उसकी जलभराव होने की वजह से बरसात की वजह से ये दीवार गिरी है। इसमें 4 लोग दबे हैं, एक बच्ची की हालत सीरियस है जो SR में भर्ती है, 2 SN में है और एक शायद पुष्पांजलि में है। जिस तरह 4 लोग इंजर्ड है, लड़की की हालत सीरियस है,